हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, जो आज के जो करंट अफेयर्स है, आज है 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, हर एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने करंट अफेयर्स के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ से आप कवर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व पोलियो दिवस, जो वर्ल्ड पोलियो डे है, ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका हर साल 24 अक्टूबर को हर साल जो है आपका विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो खास करके जो पोलियो से जो ग्रसित जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसलिए बोला जाता है। हर बच्चे को पोलियो पिलाना ज़रूरी है। जब 5 साल तक के सभी पता हो गए, 5 वर्ष के लिए यहाँ पे बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है, ताकि पोलियो से ग्रसित मत हो। इसी उद्देश्य से हर साल 24 अक्टूबर को विश्व भर में पोलियो दिवस मनाया जाता है, तद्दो कि बच्चों को पोलियो से ग्रसित मत हो, इसलिए पोलियो दिवस हम सब ये पोलियो इसलिए पिलाया जाता है। इसको याद रखिए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, निजी बैंकों को न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निर्देशक रखने का निर्देश दिया है? तो आपका 2, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो RBI के जितने भी जो बैंक है, नीचे में प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, चाहे बड़े बड़े जो बैंक है, HDFC बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, मतलब जितने भी जो बड़ी बड़ी जो बैंक है, RBI के नियम के तहत अब कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जो RBI के नीचे काम करते हैं, उस बैंकों में मिनिमम 2 कर्मचारी, जो 2 पूर्णकालिक निर्देशक होना चाहिए, MD, CO निर्देशक, और आपके MD CO अगर होना चाहिए, ऐसे करके यहाँ पे जो यहाँ पे पूर्णकालिक निर्देशक रखने का, यहाँ पे RBI ने आपका निर्देशक और आपका पूर्णकालिक होना चाहिए भी, तो जो है आपके जो नियम उन्होंने जारी किए हैं RBI के तहत। तो मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक आते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो, सभी RBI के तहत काम करती है। जैसे आपको बैंक जैसे ओपन करना है, तो आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसके तहत आपको लाइसेंस दी जाएगी, तभी आप प्राइवेट सेक्टर की बैंक यहाँ पे चला सकते हैं। तो RBI ने आपके नियम में बदलाव किया गया है। RBI की बात करूँ, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक सभी जानते हैं। 1935 में स्थापना किया गया था, 1 अप्रैल को इसका यहाँ पे गठन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में अभी 25वें क्रम के गवर्नर है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का 12वां संस्करण कब से शुरू होगा? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर या आपके आने वाले महीने में 2 दिनों तक बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का आपका कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है, इसका आयोजन होगा। तो आपके बेंगलुरु साहित्य है क्या? तो बेंगलुरु साहित्य एक तरह से देखेंगे तो जो कला संस्कृति फेस्टिवल, जो डांस, जो हमारे जो जो भारत की जो कला संस्कृति, एक तरह के इसको आगे बढ़ाना है और लोगों की तरह का जागरूक करना है। इसी तरह के जो फेस्टिवल हर साल आयोजन किया जाता है, इस बार जो है इसका 12वां संस्करण है, 2 दिसंबर को इसका आपका स्टार्ट होगा, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध बहुउद्देशी परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यहाँ पे PMKSY, यहाँ पे IBPP के तहत यहाँ पे शामिल करने के लिए हरी झंडी दी है? तो आपका उत्तराखंड, कुछ दिन पहले बताया था 2400 करोड़ रुपये यहाँ पे इस पर उत्तराखंड में ये आपका परियोजना पे केंद्र सरकार खर्च कर रही है। जो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे पहुँचे हुए थे उत्तराखंड देहरादून में, तो यहाँ पे जो केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है, जितने भी यहाँ पे जो कृषि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ के जो किसान हैं, जो फसल वगैरह यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाती है, सिंचाई में दिक्कत होती, इसी तरह के लगभग यहाँ पे
जो जमरानी जो बांध है यहाँ पे एक परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यहाँ पे सिंचाई लाभ यहाँ पे कार्यक्रम चलाई जा रही है ताकि यहाँ पे किसानों को ये सब जो सिंचाई से संबंधित दिक्कत मत हो, इसी तरह के यहाँ पे उत्तराखंड में इस बहुउद्देशीय परियोजना को आपका लाया जा रहा है, इसको याद रखे शामिल किया जा रहा है। और उत्तराखंड की राजधानी है आपका देहरादून, यहाँ की राजधानी है और ये आपका पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में इसके अभी वर्तमान में सीएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है, विराट कोहली, रणबीर कपूर या आपके राजकुमार राव या इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार राव। इसको सभी जानते हैं राजकुमार राव, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, बहुत सारे मूवी आई है इनकी। तो जो चुनाव आयोग ने जो भारत जो निर्वाचन आयोग है चुनाव आयोग इसको अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया। नेशनल आइकन क्या होता है, नेशनल आइकन मतलब जो ऐसे क्षेत्र में एक तरह लोगों को जागरूक करने के लिए जो अपने जो आपका वोट है एक तरह को उसका अच्छा उपयोग करिए, वोट डालिए ऐसा करके एक तरह यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इसी तरह ये आपका नेशनल आइकन आपका राजकुमार राव को बनाया गया, मतलब ऐसे जगह जहाँ पे वोट जो लोग उनके एक तरह का जागरूक किया जाएगा, जो अपने जो वोट है इससे क्या योगदान है इसके पीछे लोगों को यहाँ पे समझाया जाएगा और इस तरह का पे चुनाव के बारे में इनको प्रचार करना है, प्रचार प्रसार करना है, तो इनको नेशनल आइकॉन के रूप में इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला किसके साथ समझौता किया है, KNDU, PNDU या फिर GNDU या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे GNDU, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा GNDU, मतलब गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पंजाब के अमृतसर में स्थित है। तो इसको याद रखिए, यहाँ पे जो है फिक्की जो है आपका हमारे भारत के इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पे काम करते हैं, इसी तरह के जो फिक्की जो यहाँ पे एक तरह का महिला सशक्तिकरण के लिए आपका काम करने के लिए समझौता किया गया इनके साथ, एक तरह के जो महिला अभी देख रहे हैं तो हर सेक्टर में, चाहे कोई भी एजुकेशन सेक्टर हो चाहे खेल के क्षेत्र में है, मतलब कोई भी सेक्टर हो महिला आगे बढ़ रही है, मतलब पुरुषों के मामले में महिला भी कोई कम नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में ये महिला सशक्तिकरण के समझौता यहाँ पे इसके साथ किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने माई होम सेफ्टी कोशियंट पेश किया है, लिंक के द्वारा, गोदरेज, लाक्सा, टाटा या इनमें से कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदरेज, जो लाक्स है, गोदरेज लाक्स है क्या, तो ये आपका जो ताला जाने माने ताला कंपनी है, जो एक तरह की आपका जो कंपनी है ताला बनाती है, मतलब आपके घर के डोर के सेफ्टी के लिए ताला, आप सभी कहीं भी जाते हैं तो आप सेफ्टी के लिए यहाँ पे ताला लॉक करने की करते थे, तो इसी की तरह यहाँ पे जो गोदरेज लॉक्स है इन्होंने माई होम सेफ्टी कोशियंट इन्होंने पेश किया है, जो आपका जो ताला है इसमें मेन डोर में आप कौन सा ताला लगाएंगे तो उसके लिए बेटर होगा, रूम के लिए कौन से, इसी तरह के जब इन्होंने आपका इस तरह का पेश किया है माई होम सेफ्टी कोशियंट इन्होंने पेश किया है गोदरेज लॉक्स ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या इनमें से कोई नहीं, तो जसप्रीत जो मोहम्मद शमी इसका करेक्ट आंसर, मोहम्मद शमी सभी जानते हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं जाने माने। तो हाल ही में जो वनडे वर्ल्ड कप में जो वनडे वर्ल्ड कप जो हो रही है इसमें इन्होंने 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए, आपके बॉलर हैं याद रखें गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, इन्होंने वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो नाम को याद रखें मोहम्मद शमी हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है राफेल ग्रासी, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक है राफेल ग्रासी, तो अभी जो डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के राफेल जो ग्रासी हैं, तो ये आपके भारत के दौरे पे आए हुए यहाँ पे, और ये खास करके यहाँ पे भारत में आपके दौरे पे आए हुए यहाँ पे कुछ दिन 1-2 दिन के लिए यहाँ पे दौरे में आए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत भारत के अलग अलग जगहों में आपके ये आपका भ्रमण भी करेंगे, तो इसको याद रखें।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? अमित शाह, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, अभी आपके कपड़ा मंत्री भी हैं। तो कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है, कहने का मतलब यहाँ पर जो कपास से जो काटन है, कपास से जो बनते हैं आपका जो कपड़ा वगैरह, तो तरह का जो कपड़ा उद्योग मतलब यहाँ पे देश विदेश तक पहुँचाने के लिए जो कस्तूरी काटन जो यहाँ पे भारत की एक तरह का वेबसाइट लॉन्च की है। जो कस्तूरी काटन होता है यहाँ पर प्योर अच्छी किस्म की आपका काटन होती है, जो कपड़ा तैयार किया जाता है बहुत ही सॉफ्ट और यहाँ पे बहुत ही टिकाऊ होता है। तो जो है कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट यहाँ पे पुलिस जोन ने लॉन्च की है। एक तरह का जो हमारी भारत में देखे काटन का जो है आपका लगभग सबसे ज़्यादा आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सभी जगहों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। मतलब देखेंगे तो ये भारत भी इसका उत्पादक देश है। तो ये आपका जो है कपड़ा उद्योग को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो आपका वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की है पीयूष गोयल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। यहाँ की राजधानी कैनबरा, कैनबरा श्री जयवर्धन कोट्टे यहाँ की राजधानी है और रानिल विक्रम सिंधे यहाँ के अभी वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट है। वर्देना जी वर्तमान में अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ के आपके श्रीलंका के साउथ एशिया में आपका आती है। तो भारत को मुक्त पर्यटक वीजा कौन सा देश प्रदान करेगा? तो आपका श्रीलंका प्रदान करने वाली है। श्रीलंका और भारत के बीच अच्छे संबंध भी हैं और देखेंगे तो भारत सबसे ज़्यादा यहाँ पे पर्यटन यहाँ पे घूमने भी जाता है, सबसे ज़्यादा जापान, श्रीलंका, बहुत सारे जो देश यहाँ पे जाते हैं। तो इसी बीच भारत और श्रीलंका के अच्छे संबंध के कारण जो है इसमें जितने भी यहाँ से पर्यटक घूमने जाएंगे श्रीलंका का, तो ये आपका तो भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान करने के लिए आपका सहमति श्रीलंका के यहाँ पे बताई गई है, ताकि वहाँ जाएंगे तो उसके लिए आपको कोई भी जो इसके लिए वीज़ा लेने में कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वीज़ा के लिए कोई भी आपको फीस वगैरह लिया नहीं जाएगा। तो ये आपका श्रीलंका के द्वारा यहाँ पे वीज़ा प्रदान किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? तो आपका देहरादून में, ये आपका उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो यहाँ पे वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है। तो आपको ये संयुक्त राष्ट्र मंच की जो मंच की बैठक की मेजबानी क्यों कर रही है? तो ये खास करके यहाँ पे देखेंगे तो उत्तराखंड एक तो अच्छी जगह है घूमने के लिए भी, और यहाँ पे जो है चारों तरफ ही आपका हरियाली है, पेड़ पे उनके पेड़ों के जो सुरक्षा के लिए यहाँ पे इस तरह के यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मंच के जो बैठक यहाँ पे मेजबानी कर रहे हैं भारत। तो वनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे जो अंधाधुंध जो कटाई हो रही है इसको रोकने के लिए यहाँ पे लोग पेड़ को काट लेते हैं लेकिन यहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं लगाते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पेड़ की सुरक्षा के लिए जो बैठक यहाँ पे देहरादून में की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया जा रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में आपका लिक्विड यहाँ पे संयंत्र को उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, पूरे लिक्विड फॉर्म में इस संयंत्र तैयार किया। भारत देखेंगे तो यह लगभग ये आपका भारत इसका निर्यातक भी, मतलब 4% देखेंगे तो भारत ये आपका फोर्थ क्रम का ये आपके खाद निर्यात करते हैं छोटे छोटे देश को। तो गृह अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिए, खाद भी बनाते हैं, इको वगैरह सभी जानते होंगे, तो ये खाद बनाती हैं और इस बार लिक्विड फॉर्म भी तैयार कर रही है भारत के द्वारा, ताकि जो आप बाहर से लेना मत पड़े, 80% जो है आपका भारत से समान प्रोडक्ट मिल सके, इसी तरह के यहाँ पे ये आपका जोर दे रही है सरकार, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? तो आपका मुंबई, याद रखिएगा मुंबई जो है आपका दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है, ये आपका दूसरा है। पहला में कौन है? तो यहाँ पे पाकिस्तान का लाहौर सिटी, लाहौर समझ चुके होंगे, तो पहला नंबर में पाकिस्तान का लाहौर है और आपका मुंबई दूसरा में है। मुंबई सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, तो आपका दुनिया का जो प्रदूषण के मामले में आपका मुंबई सिटी दूसरा स्थान है, वैश्विक शहर बन गया है सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और पहला में आपका पाकिस्तान का लाहौर बना है। तो ये आपका जो कौन से साथ इसी तरह के जारी किया जाए, पिछले साल आपका दिल्ली था, इस बार 2023 में आपका मुंबई है। तो ये डाटा को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक, ये तो आपको मुंबई हो गया।
हाल ही में कौन जो है एससीओ के बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई नहीं थे। एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, याद रखिए हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर हैं। एससीओ बैठक क्या है, तो ये आपके शंघाई में जो एससीओ बैठक होते हैं आपका मतलब सभी देशों के साथ एक तरफ आपका साझा करने अच्छे संबंध बनाना है, और इसलिए जो बैठक है आपका अर्थव्यवस्था में काम करते, जैसे आपके कोरोना महामारी बहुत सारे देश इसमें अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी, तो एक तरह की मदद भी करते हैं। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में, तो इस बार जो बैठक के लिए यहाँ पे किर्गिस्तान के 2 दिवसीय यात्रा पर एस जयशंकर एससीओ के बैठक पर गए, ताकि जो अलग अलग देश भी इससे हिस्सा लेंगे और अर्थव्यवस्था और इस मुद्दों पर आपका काम करना इस बैठक का वही उद्देश्य है। तो आपके एस जयशंकर जी हमारे भारत की तरफ से यहाँ पे 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।